अक्षय तृतीया का पर्व हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे आखा तीज या अक्खा तीज कहते हैं। इस वर्ष अक्षय तृतीया तिथि 14 मई 2021 शुक्रवार को है और इस साल की अक्षय तृतीया कई मायनों में विशेष है। अक्षय तृतीया तिथि शुभ मुहूर्त 14 मई 2021 को सुबह 5:38 से प्रारंभ होकर 15 मई 2021 को सुबह 7:59 तक रहेगी। इस बीच पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:38 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 6:40 रहेगी। बताया जाता है कि वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त है, जिसमें प्रथम व विशेष स्थान अक्षय तृतीया का है। इस दिन भगवान नर नारायण सहित परशुराम और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसके अलावा ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। बद्री नारायण के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन से ही वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ लिखना शुरू किया था। इसी दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। अक्षय तृतीया को अनंत अक्षय अक्षुण फलदायक माना जाता है, जो कभी क्षय नहीं होता उसे अक्षय कहते हैं। तो जानते हैं कि क्या करते हैं इस दिन। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करेंगे उसका पुण्य मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली और वस्त्र वगैरह का दान अच्छा माना जाता है। यह तिथि किसी भी नए काम की शुरुआत, खरीदारी, विवाह के लिए बहुत ही शुभदायी मानी जाती है। इस दिन स्वयं सिद्धि मुहूर्त माना गया है। समस्त शुभ कार्यों के अलावा प्रमुख रूप से शादी, स्वर्ण खरीदने, नया सामान, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, वाहन क्रय, भूमि पूजन तथा नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन स्नान, ध्यान, जप तप करना, हवन करना, स्वाध्याय और पितृतर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के पावन दिन पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्रदान होता है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत करती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें और चंदन, श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब आदि से पूजन करें।